तो गाइस कैसे हो आप सभी। नहीं बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि हमारे गेम में जो न्यू M1887 की स्किन आने वाली है वो दिखने में कैसी होगी, कब आएगी, कहाँ पे आएगी, फुल डिटेल में बताऊंगा गाइस इस वीडियो में। और गाइस इस बार के ओपी अपडेट के बाद हमें कौन कौन से रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में गाइस। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए फुल एंड तक देखना क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही ओपी होने वाला है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो गाइज जो जो बंदे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और गाइज जितने भी बंदे हैं सब लाइक कर दें इस वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले हम सभी को देखने को मिलेगा ये UMP जो क्लास स्क्वाड गोल्ड 3 में जाने पे मिलेगा। तो गाइज कुछ इस तरह का इसका लुक है, उतना तो ओपी नहीं है क्योंकि फ्री दिया जा रहा है। और गाइज सेकेंड में मिलेगा ये फामास, अगर हम रैंक में जाते हैं गोल्ड 3 में तो ये फामास हम सभी को मिलेगा फ्री। और गाइज इस फामास का नाम जो है अपने से देख लो, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ अजीब तरह का नाम है इसका। तो गाइज कैसा लगा कमेंट करके जल्दी बताएं। ये तो टट्टी है। और गाइज हमारे गेम में काफ़ी सारे पेट है, कुत्ता, बिल्ली, सब पेंगुइन काफ़ी सारे हैं, लेकिन फ्री फायर वाला फिर से और एक न्यू पेट लेकर आ गया है और वो ये है गोस्ट टाइप का कुछ है। गाइज देख लो दो सींग है ब्लू कलर का। कैसा लगा कमेंट करके बताएं गाइज कैसा लगा आज का ओपी अपडेट। तो गाइज देख लिया कि ये मिलेगा और गाइज इसके साथ साथ हमें कुछ बंडल भी मिलेंगे फ्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज वो बंडल हमारा जो है मनी हिस्ट वाला है लड़की का, तो ये कुछ अपडेट करके मिलेगा, ये इन दोनों में से कोई एक बंडल मिलेगा हम सभी को फ्री। तो गाइज कैसा लगा जल्दी से कमेंट करो गाइज। और गाइज उसके बाद हम सभी को मिलेगा शॉटगन जो इनक्यूबेटर में आने वाला है। गाइज शॉटगन हमारा M1887 का इनक्यूबेटर आने वाला है। तो गाइज ये चारों के चारों हम लोग हमारे इनक्यूबेटर में आएगा। गाइज कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ गाइज, मुझे तो बहुत ही ओपी लग रहा है। मजा आया गाइज आपको कैसा लगा जल्दी कमेंट करके बताएं, मुझे तो बहुत ही ओपी लगा क्योंकि पहली बार इनक्यूबेटर में M1887 का स्किन आ रहा है। लेकिन मैं बताऊंगा गाइज M1887 का इनक्यूबेटर मत निकालना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज हमारे गेम में जितने भी इनक्यूबेटर आए हैं उसके बाद लेवल अप वाली गन आ जाती है उसकी। तो गाइज अगर आप M1887 का इनक्यूबेटर निकालते हैं तो उससे ज़्यादा एबिलिटी, ज़्यादा अच्छी लेवल अप वाली आ जाएगी। तो गाइज जितने भी हमारे लेवल अप वाली आई है सब फेडर्ड बिल में आएगी, तो हो सकता है अगर ये शॉटगन आएगी तो ये भी फेडर्ड बिल में आ जाएगी। तो गाइज आप इनक्यूबेटर में अपना डायमंड वेस्ट करोगे और उसके बाद लेवल अप वाली शॉटगन आ जाएगी तो आपका डायमंड बेकार हो जाएगा। तो इनक्यूबेटर की शॉटगन मत निकालना क्योंकि जितने भी इनक्यूबेटर आए हैं उसके बाद लेवल अप वाली आ गई है। तो मैं तो लेवल अप वाली निकालूंगा, आप कौन सी निकालोगे कमेंट करके जल्दी से बताएं। नहीं बताऊंगा, चल झूठा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।